और उन्होंने कहा ये हैं अयोध्या के राजा। हम तो हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं। अध्यक्ष जी, मुझे एक प्रसंग याद आता है। महाभारत में युधिष्ठिर को जब अकर्मण्यता ग्रसित कर गई तो वो पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को सुशासन के कई सूत्र दिए, लेकिन एक मूल मंत्र भी दिया, और वो मूल मंत्र था यतो धर्मस्य ततः कृष्णो, यतः कृष्णस्य ततो धर्मः। जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण हैं, जहाँ कृष्ण हैं वहाँ विजय है। अध्यक्ष जी, धर्म तो नरेंद्र मोदी जी के ही पाले में खड़ा है। लोकतंत्र में मतदाता देवतुल्य होता है। 6 दशक में तीसरी बार लोकतंत्र में भारत के देवतुल्य मतदाता ने विजय श्री का आशीर्वाद एनडीए की सरकार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, विपक्ष के एक बहुत ही बड़े नेता मीडिया के बंधुओं से अयोध्या धाम से जीते हुए अपने जनप्रतिनिधि का परिचय करवा रहे थे, और उन्होंने कहा ये हैं अयोध्या के राजा। अध्यक्ष जी, ये विपक्ष की राजसी मानसिकता को परिलक्षित करता है। अध्यक्ष जी, हम तो सत्ता पक्ष में होकर भी सेवा परमो धर्मो वाले, राष्ट्र सर्वोपरि वाले हैं। हम तो हमारे तो यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं। अध्यक्ष जी, हमारे तो राजा राम हैं, धर्म हमारा काम है, जपते तो हम माँ भारती का नाम है, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी के सामने फेल बाकी सारे तमाम हैं। रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के वर्क एथिक के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी एनडीए की यह सरकार, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। लेकिन मैं साथ में ये आशा भी करती हूँ कि ये सदन एकजुट होकर उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में मदद अवश्य करेगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया और अपनी बात कहने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः इस धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूँ।